अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे विच इज़ एलिमिनेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 14 कवर कर लिया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड वॉच इट। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8 एलिमिनेशन है। तो इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि वॉट एक्चुअली एलिमिनेशन इज। Elimination is the process of eliminating one of the variables from the linear equation using addition or subtraction or by division and multiplication of coefficients of the variable. Elimination एक ऐसा process है जिसमें equations में से हमें किसी एक variable को eliminate करना होता है, मतलब निकाल देना होता है equations में से। और कैसे? बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मेथड यूज़ करके या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। एलिमिनेशन के चार मेथड्स होते हैं, लाइक एलिमिनेशन आप चार मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाल ली होती है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। लाइक मेरे पास एग्जांपल है, एक ए प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये हमारे पास इक्वेशन वन है एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू थ्री, आपकी बुक की ही एग्जांपल है। और ये हमारे पास इक्वेशन टू है। अब जो इजी इक्वेशन होती है ना, मतलब जो आसान है, जो इजी है, उसे लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एलिमिनेट बी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस में से बी को एलिमिनेट करना है, सही है। अब हम दूसरे इक्वेशन लेते हैं क्योंकि ये इजी है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू थ्री। अब बी को एलिमिनेट करने के लिए माइनस बी है यहाँ पर, उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, पॉजिटिव बी, और यहाँ पर पॉजिटिव थ्री है तो इधर आके नेगेटिव थ्री हो जाएगा। ए माइनस थ्री इज इक्वल्स टू बी। नाउ वी विल राइट इट लाइक दिस, बी इज इक्वल्स टू ए माइनस थ्री। ये हमने एलिमिनेट कर लिया बी को। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हुए इक्वेशन वन में बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स पुट करना है। तो ए प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू माइनस वन इक्वेशन लिखी, बी की हमने वैल्यू फाइंड की थी ए माइनस थ्री। थ्री बी की जगह पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे एंड देन माइनस वन, बी की वैल्यू हमारे पास आई थी ए माइनस थ्री। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, थ्री ए, थ्री ए ज़ा थ्री ए, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन इज इक्वल्स टू माइनस वन। नाउ ए प्लस थ्री, ए के पास वन कोफिशेंट है एंड प्लस थ्री मीन्स फोर ए, माइनस नाइन इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब ये माइनस साइन को हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ ले जाएंगे, मीन्स राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। फोर ए इज इक्वल्स टू माइनस वन, यहाँ पे नेगेटिव नाइन है, इधर आके पॉजिटिव नाइन हो जाएगा, मीन्स प्लस नाइन हो जाएगा। नाउ फोर ए माइनस प्लस माइनस करेंगे, अलजेब्रा के रूल्स आपको पता होंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे, नाइन में से वन निकाला एट, और बिगर नंबर की साइन आती है, यहाँ पर नाइन है जिसकी पॉजिटिव है और हम उसे शो नहीं करते, एट। नाउ अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए इधर के लिखेंगे, एट एज इट इज आ जाएगा। ये फोर ए के साथ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, एट के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। नाउ वी विल कैंसिल इट, फोर वन सा फोर और फोर टू सा एट, ए की वैल्यू हमारे पास टू आ गई। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें एलिमिनेट करना है बी को इन इक्वेशंस में से, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया और बी को एलिमिनेट कर दिया। जब हमारे पास फाइनल आंसर आया तो इसमें बी नहीं है कहीं पर भी। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन का। अब हमारे पास दूसरा मेथड है कंपैरिजन मेथड। नाउ सेकंड मेथड है हमारे पास कंपैरिजन मेथड। एलिमिनेशन करने के लिए हमारे पास टोटल फोर मेथड्स हैं। पहला हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, नाउ वी विल स्टार्ट कंपैरिजन मेथड।
कंपैरिजन मेथड में हमें जो दो इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन होती हैं, हमें उन दोनों की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता है। नाउ हमें एक एग्जांपल गिवन है, एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, एक्स इज इक्वल्स टू 2at एंड वाई इज इक्वल्स टू 8t2। ये हमारे पास इक्वेशन वन है एंड दिस वन इज इक्वेशन टू। अब हमें एलिमिनेट करना है टी को। नाउ सबसे पहले इक्वेशन वन में से टी को एलिमिनेट करेंगे, देन इक्वेशन टू में से। तो इक्वेशन वन लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2at, यहाँ पर 2at के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू टी। नाउ हमारे पास t एलिमिनेट हो गया इक्वेशन वन में से। अब इक्वेशन टू में से हम t को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन टू है, y इज इक्वल्स टू 8t2। अब इसमें से t को एलिमिनेट करने के लिए a को यहाँ ले आएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है a, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, y अपॉन a इज इक्वल्स टू 2t2। ये हमने t को एलिमिनेट कर लिया, मीन्स इक्वेशन में से निकाल दिया। नाउ अब हमें कंपैरिजन मेथड यूज़ करना है, मीन्स हम इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x अपॉन 2a, कंपेयर करते हैं इज इक्वल्स टू का साइन लगा के, लाइक दिस आपस में कंपेयर करना, एंड इसकी वैल्यू लिखेंगे y अपॉन a। अब ये वाला a इससे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम अगर इससे यहाँ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और फिर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल करते हैं a। अब हमारे पास बचा x इज इक्वल्स टू 2y, तो ये आएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। हमने t को एलिमिनेट कर दिया जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये है कंपैरिजन मेथड। अब तक हमने दो मेथड्स कंप्लीट कर ली है, सब्स्टिट्यूशन एंड कंपैरिजन मेथड। नाउ थर्ड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट मेथड में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने वैल्यू पुट की थी। सेकंड मेथड हमने कंपैरिजन मेथड पढ़ा था, मीन्स हमने दो इक्वेशंस की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया था। थर्ड मेथड में हम फॉर्मूला अप्लाई करके एलिमिनेट करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है, एग्जांपल है ये बुक की, फाइंड अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा के ए को एलिमिनेट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन वन है एंड दिस वन इज इक्वेशन टू। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे इन दो इक्वेशंस पर। तो लिखती हूँ मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन वन, ए प्लस वन अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायरिंग हमने एक साइड पे की है तो दूसरी साइड पर भी करनी है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, a प्लस बी, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब पुट करते हैं, a स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में भी a स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस 2, a टर्म हमारे पास ये है और बी टर्म हमारे पास ये है। अब ए की जगह पे ए आ जाएगा एंड बी की जगह पे वन अपॉन ए आएगा, क्योंकि वैल्यू वन अपॉन ए गिवन है। नाउ बी स्क्वायर होगा वन अपॉन ए का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर सा एक्स स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल हो रहा है ए इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये प्लस टू है, यहाँ आके माइनस टू हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड ऑब्टेंड हो गई।
अब इससे ज़्यादा हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नाउ अब इसी तरह हमने इक्वेशन वन पर स्क्वायरिंग करके फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम इक्वेशन टू पर अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन टू पर सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं, ए माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन टू है, इस पर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन टू। नाउ ये हमने स्क्वायरिंग कर दी, अब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास ये टर्म ए है और ये टर्म बी है, ए हमारे पास है ए, ए का स्क्वायर माइनस टू, ए की वैल्यू पे ए की जगह ए ही पुट हो जाएगा, और बी की जगह हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वन ओवर ए माइनस प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास वन ओवर ए का स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर। नाउ ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस फिर हमारे पास टू आ जाएगा माइनस टू प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस टू इधर जाके प्लस टू हो जाएगा वाई टू प्लस टू, तो ये हमारे पास इक्वेशन फोर आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन थ्री हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड इक्वेशन फोर हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस टू, तो इन्हें कंपेयर करते हैं। नीचे मैं लिख देती हूँ कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड फोर, इक्वेशन थ्री है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड इक्वेशन फोर है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस टू। नाउ ये वाई स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पॉजिटिव टू है, ये नेगेटिव टू, इधर आके पॉजिटिव टू हो जाएगा, टू प्लस टू। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। एक और बात, फॉर्मूलाज अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस में आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ आई होप गाइस आप लोगों को ये तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, अगर ये तीनों मेथड्स आप लोगों को आ गए होंगे तो पूरी एक्सरसाइज यू कैन ईजली सॉल्व इट। नाउ अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिमिनेट ए बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें ए को एलिमिनेट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन नंबर 1 हो गई, 2a प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। नाउ सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन लेंगे, जो इजी हो आप वो लें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 इजी है तो ये लेते हैं, इनमें इसमें से एलिमिनेट करेंगे ए को, कैसे, ए इज इक्वल्स टू माइनस टू भी है, इधर आके प्लस टू भी हो जाएगा, प्लस को हम शो नहीं करते, यहाँ पे प्लस वन है, इधर आके माइनस वन हो जाएगा, तो हमने ए को एलिमिनेट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि हमें दूसरी इक्वेशन में लाइक ये वाली इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू को पुट करना है, तो पुट करते हैं वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2 ए की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, प्लस
3b-5=0, a की वैल्यू है 2b-1. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, 2 2 सा 4, b-2 1 सा 2, बहुत केयरफुली सिंप्लीफाई करना है, प्लस 3b-5=0. नाउ 4b एंड 3b, हमें इसे पॉजिटिव करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस करना है, 4 + 3 7b. नाउ माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 एंड -5 को, -2 एंड -5 को प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर की साइन आती है, -7=0. वैसे तो बुक में यही आंसर है, लेकिन हम इसे फर्दर अगर करें, लाइक b 7b = 7 + 7, इधर आके -7, इधर आके +7 हो जाएगा, b = 7/7 कैंसिल आउट हो गया, b = 1. वैसे बुक में ये आंसर है, आप चाहें तो यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं एंड पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, 4a + 3b + 8 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a + 5b - 2 = 0. हमें इसमें से एलिमिनेट करना है a को, तो इसमें से इजी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, इसमें से a को एलिमिनेट करना है. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड दिस वन इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को लिया हमने, a + 5b = 2 - 2 = 0. ए को एलिमिनेट करने के लिए +5b इधर आके -5b हो जाएगा एंड -2 इधर आके +2 हो जाएगा. नाउ हमने ए को एलिमिनेट कर लिया, अब इस ए की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. इक्वेशन 1 है हमारे पास 4a + 3b + 8 = 0. 4 ए की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, 3b + 8 = 0. ए की वैल्यू है हमारे पास -5b + 2. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, 4 5 सा 20, b + 4 2 सा 8, +3b + 8 = 0. नाउ 20b - 20b and +3b, इसे हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा माइनस, 20 में से 3 माइनस किया तो 17b. नाउ +8 and +8, 16 होता है एंड 0. हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 16 + 16 - 17b = 0. तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, आप चाहें तो इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे बुक में यही आंसर आ रहा है. तो आई होप गाइस आप लोगों को एलिमिनेशन का प्रोसेस, तीनों मेथड्स और ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. थैंक यू.